पता नहीं उस साइड से इसका हाल क्या है, मैंने खुद नहीं देखा, कैमरे दिखा रहा है जो भी। जस्ट चेक दिस आउट, ये गन था जो इस एसी में से निकला। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आर्यन खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार अभी जस्ट जो है सुमिना, मेरा जो एसी है ना 210 का, ये काफ़ी गंदा हो गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी जो है ना काफ़ी सालों से चल रहा था बगैर सर्विस के, तो ये काफ़ी गंदा हो गया हुआ है। इसके जो अंदर फिन्स वगैरह वो काफ़ी ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं सही करता, थ्रो इसकी सही नहीं है। तो अभी का क्या सीन है कि यार इसको मैं करने लगा हूँ सर्विस, मैं खुद करूँगा सर्विस, ठीक है। पहले भी मैंने किया है तो इसको इंशाल्लाह खुद करेंगे सर्विस। प्रेशर वॉशर वगैरह है तो उससे आराम से ईजीली जो है वो एसी सर्विस हो जाएगा। तो बस अभी शुरू करते हैं। अभी मैंने जो है वो सारे यहाँ पे जो जितने एरिया था, मैट वगैरह था, उसको सारा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और बस अभी जो है मैं एक टेबल लाऊंगा और उसका जो फ्रंट केसिंग है एसी की, ये वाली वाइट केसिंग है, इसको खोल लेंगे और बस शुरू करेंगे। तो आपको भी दिखाऊंगा साथ साथ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। फाइनली जो एसी का या केसिंग है उसको उतार लिए और मैं आपको ना एसी की कंडीशन भी दिखाता हूँ। एसी बहुत ही गंदा है, ये आप चेक करें, पूरा गंदा हुआ है, ये सारे ब्लॉक हैं और पता नहीं उस साइड से इसका हाल क्या है, मैंने खुद नहीं देखा, कैमरे दिखा रहा है जो भी दिखा रहा है। तो पता नहीं, अब इसको जल्दी से ना, अब इसके यहाँ से ये रूवर उतार लेते हैं, यहाँ से इसका ये रूवर उतर जाएगा। उसके बाद इसकी जो किट है ना, ये चीज़ हमने बचानी है, इसको हमें अच्छी तरह प्लास्टिक से रैप करना पड़ेगा ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि अगर ये ख़राब होगी तो इसी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही देखे कितना डस्टी है अंदर सारा, इसका ब्लोर इतना गंदा है, देखे ब्लोर में मट्टी, देखे क्या कूलिंग करनी है इसी में। तो बस इसको ये उतारते हैं इसकी रोवर शूवर और फिर मैं इसका क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। यार ये देख सकते हो तुम, जो मैंने इसकी किट का एरिया उसको सारा जो है वो प्लास्टिक से पैक करती है, ठीक है, तुम देख सकते हो। और बस अब जो है इसको अच्छी तरह साफ़ करने लगा हूँ, ठीक है। अभी प्रेशर वॉशर जो है वो अपना ठीक करता हूँ, मतलब कि उसको असेंबल करता हूँ। उम्मीद है कि अब यहाँ से पानी नहीं जाएगा। मैंने बड़े अच्छी तरह, ये प्लास्टिक है, उसके नीचे शॉपर है, फिर उसके नीचे शॉपर है, तो मेरे ख्याल से इट्स इनफ, ठीक है, पानी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी ना उसको मैं एहतियात करूँगा, प्रेशर कम साइड से मारूँगा, पानी इस साइड से इस साइड को मारूँगा, ना कि इस साइड से इस साइड को। तो इससे ना जो पानी है ना वो इस साइड में भी कम आएगा। तो बस ठीक है, अपना प्रेशर वॉशर असेंबल करते हैं। भाई सर्विसिंग हो रही है एसी की, बहुत ही गंदा था यार ब्लॉगिंग, देखो नीचे दस्त देखो कितनी है, एसी के बाद वही गंदा था, पता ही चल गया सर, चल नहीं आ ही नहीं था, चल बिल्कुल हल्का सा काम कर रहा था, बिल्कुल ब्लॉक था सारा इसका, ब्लोर इतना गंदा था, इतना गंदा था ब्लोर के, बस क्या बताऊं। तो गाइस फाइनली जो है वो एसी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, ये देख सकते हो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना बिल्कुल नया हो गया, ये देखो उसके फैंस नीचे से बिल्कुल जो है इसका ओरिजिनल कलर जो है वो निकला है। और मैं इसको चला के भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट वाले यहाँ से थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ से मैंने किट को कवर किया था, देखो किट पे भी 1% पानी नहीं है, बिल्कुल जाले के जाले वैसे ही लगे हैं, एक कतरा भी जो है ना किट में पानी नहीं है।
तो बस इसका इसके देखो ये भी मैंने जो इसकी केसिंग्स है वो भी सारी वॉश कर दी है, आउटडोर भी मैंने इसका साफ कर दिया है, तो बस इसको मैं जल्दी से पैक करता हूँ। सो गाइस फाइनली जो है वो एसी बिल्कुल ओके हो गया है 110%, और इसकी थ्रो इतनी तेज हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसका एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया यार, पहले इसकी थ्रो थी नहीं, काम ही नहीं कर रहा था, और अब इसकी थ्रो माशाल्लाह A1 परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल इजी था ठीक है। तो हर कोई जो है ना, अगर उसके पास प्रेशर वॉशर वगैरह है चीज़ें हैं तो वो खुद भी कर सकता है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने तकरीबन 5000 जो है वो सेव की है अपना, अगर ये एसी सर्विस कराते तो तकरीबन 5000 सर्विस का था। जस्ट चेक दिस आउट, ये गन था जो इस एसी में से निकला है ठीक है, ये सारा गन इस एसी में से निकला है, और आई डोंट नो कि यार एसी किस तरह काम कर रहा था, इतना गंदा, बट फिर भी जो है वो चल रहा था, बस ठंडा वगैरह नहीं कर रहा था, थ्रो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि उसका ब्लोअर बहुत गंदा था और अंदर से भी एसी बहुत गंदा था, आउटडोर भी इसका गंदा था। अब जैसे यहाँ से पहले इसको एरिया सारा साफ करते हैं, तो टाइम हो रहा है रात के 10:30 और मैं तकरीबन जो नहा धो के एसी वगैरह चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, और अब तो जो बड़ा वाला वो जो मेन एसी है ना वो तो ऐसी कूलिंग कर रहे हैं यार, मतलब कि बिल्कुल A1, कोई उसमें मसला नहीं है ठीक है। पहले तो वो चल ही नहीं रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्ट काम कर रहे हैं, बाकी उसमें बहुत फ़र्क पड़ा चलने में, मतलब कि ना 100% वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैंने एसी वाले भाई है, मैंने उनसे पता किया एसी के सर्विस के तकरीबन 3500 कॉस्ट हो रही है, 3500 से 4000 रुपीज़ कॉस्ट है एक एसी के ठीक। दिल भी कर रहा था खुद काम करने का, और दूसरा बंदे का नॉलेज भी बढ़ता है और बंदा खुद कर सकता है ठीक है। मैंने ये वीडियो से करके दिखाया कि हर काम बंदा खुद भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यार हर काम खुद किया जाए। जिस तरह एसी की फिटमेंट है वो मैं खुद नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा सी जरा मुश्किल होती है, गैस वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई उसमें मसला होगा तो वो मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा उससे रिलेटेड काम नहीं है ठीक है। अगर मैं उससे रिलेटेड होता तो मैं उसमें वो भी कर लेता, लेकिन ये सर्विस वगैरह का काम हल्का फुल्का वो मैं कर सकता हूँ ठीक है। तो इस तरह का मैंने अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को भी बताया कि आप लोग भी इस तरह जो है अपने पैसे सेव कर सकते हैं ठीक है, और अपना काम खुद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम खुद करें ताकि पैसे ही बचे और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसी नोट पर इस वीडियो को यही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, जल्द अज्द 400 सब्सक्राइबर्स कराऊँ इंशाल्लाह, फिर 500-600 कोशिश कर रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे आजकल बिल्कुल 7-8-9, लेकिन नेवर गिव अप ठीक है, इंशाल्लाह वन डे वे विल बी देयर ठीक है, जहाँ मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय और स्टे सेफ।